पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराने के बाद न्यूजीलैंड जो है वो आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गई है, यानी कि दुनिया की नंबर एक टेस्ट टीम बन गई है न्यूजीलैंड। इसके लिए कप्तान केन विलियमसन को हमारी तरफ से बधाई, लेकिन वो डिजर्व करती है, उनकी टीम भी डिजर्व करती है यहाँ तक पहुँचना। और न्यूजीलैंड के इतिहास में ऐसा बहुत कम हुआ है कि वो नंबर वन टेस्ट टीम बनी हो। तो रैंकिंग्स क्या कहती हैं अभी वो मैं आपको बताता हूँ। अभी न्यूजीलैंड 118 रेटिंग पॉइंट के साथ नंबर एक पर पहुंच गई है, ऑस्ट्रेलिया 116 रेटिंग अंक के साथ दूसरे नंबर पर है, टीम इंडिया 114 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर है। यानी कितनी क्लोज फाइट है इन तीनों में देखिए। चौथे नंबर पर इंग्लैंड है 106 अंकों के साथ, यानी कि 8 रेटिंग पॉइंट्स का डिफरेंस है भारत और इंग्लैंड में। पांचवें नंबर पर है साउथ अफ्रीका 96 अंकों के साथ, श्रीलंका छठवें नंबर पर है 86 अंकों के साथ, पाकिस्तान सातवें नंबर पर है 82 अंकों के साथ, वेस्ट इंडीज आठवें नंबर पर है 77 अंकों के साथ, नौवें नंबर पर अफगानिस्तान है जिसके 57 अंक हैं, और दसवें नंबर पर बांग्लादेश है जिसके की 55 अंक हैं। तो ये अभी पूरी स्टैंडिंग्स हैं, और केन विलियमसन की कप्तानी में जो कर दिखाया है न्यूजीलैंड ने, इतिहास भी इसका गवाह बनेगा, इतिहास इसको याद रखेगा। बहुत ही शानदार जो है खेल का मुजाहरा पेश किया है न्यूजीलैंड ने, और इसी वजह से वो अब टेस्ट की नंबर वन टीम बन गए हैं। और अब देखते हैं कि आने वाले कुछ मैचेस में इस पर जो भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज है इस पर कितना इसका फर्क पड़ता है, क्योंकि भारत अगर मैच जीतता है तो जाहिर सी बात है वो ऊपर जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया और नीचे आएगा। अगर ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो हो सकता है वो न्यूजीलैंड को फिर जो है दूसरे नंबर पर खिसका दे और पहले नंबर पर पहुंच जाए, या फिर हो सकता है इंडिया सीरीज जीत जाए तो तीसरे नंबर से सीधा पहले नंबर पर पहुंच जाए और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर आ जाए, या फिर ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर आ जाए न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर पहुंच जाए, ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल न्यूजीलैंड को बधाई, कप्तान केन विलियमसन को बधाई। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।